हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरी चोली 1 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की है और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। 4 आगे की तरफ है डबल क्रोशिया और 8 पीछे की तरफ है और 4 आगे की तरफ। ये टोटल मेरी 16 डबल क्रोशिया है यहाँ पर। अब यहीं से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हो गई, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी चैन में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चैन के अंदर। आगे वाली में एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली में एक ही चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई। अब यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। यहीं पे हम 3 चैन हो गई। सी में 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। हमारे 2 डबल क्रोशिया होगा एक ही चैन के अंदर। इसमें एक चैन, अब यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार निकालेंगे, यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे, इसे पूरा नहीं बनाएंगे। सी में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमारे टोटल 3 फंदे हो गए। 3 का 1 करेंगे, एक चैन छोड़ेंगे, आगे वाली में बनाएंगे 12 क्रोशिया, से पूरा नहीं बनाएंगे। 2 फंदे यहाँ पर, सी में 12 क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे हो गए, 3 का 1, एक चैन। फिर से हम एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में 12 क्रोशिया बनाएंगे। इसे 2 बचेंगे फंदे हमारे यहाँ पर। फिर से इसी में 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे, 3 का 1 करेंगे, एक चैन। फिर से हम एक चैन छोड़ेंगे, आगे वाली में 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, पूरा नहीं बनाएंगे। 2 फंदे बचे हमारी क्रोशिया के ऊपर। सी में हम 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे, 3 का 1, फिर से एक चैन। एक चैन छोड़ेंगे, दूसरी में 12 क्रोशिया बनाएंगे। 2 फंदे, इसी में 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ऊपर 3 फंदे बचे, 3 का 1 करेंगे और एक चैन। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चैन बनाई थी, इसमें से इस तरह से अपनी क्रोशिया निकालेंगे। ये 2 3 चैन हो गई। 3 चैन बनाने के बाद इसी में हम फिर से 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 12 क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे। इसी में फिर से 12 क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया के ऊपर और फिर से इसी में 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 4 फंदे हो गए, 4 का 1 बनाएंगे इस तरह से। और इसमें 3 चैन, 3 चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक चैन बनाई थी, इसमें 12 क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे 12 क्रोशिया को। 3 फंदे हो गए, फिर से इसी में 12 क्रोशिया बनाएंगे। 4 हो गए 12 क्रोशिया, यहाँ पर मेरे टोटल 5 फंदे हो गए, 4 डबल क्रोशिया। अब 5 फंदे को 1 करेंगे, 1 2 3 चैन। फिर से इसी चैन के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 फंदे बचे, 2 का 1। 3 फंदे बचे, फिर से 12 क्रोशिया, 4 फंदे,
फिर से इसी में डबल क्रोशिया, पांच फंदे, पांच का एक करेंगे इस तरह से, एक दो तीन चैन, फिर से इसी चैन की एक चैन बनाई थी इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं बनाएंगे, फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, तीन फंदे बचे, डबल क्रोशिया पर टोटल चार फंदे, फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, पांच फंदे हो गए। अब ये पांच फंदे का एक करेंगे और यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे। मैं इतना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तरह से हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पर मैंने तीन चैन बना ली है। तीन चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे ये इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। यहाँ चैन बनाई थी तीन, इसके अंदर से हम दूसरा कलर जोड़ेंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, इसी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार डबल क्रोशिया और टोटल हमारी है पांच डबल क्रोशिया हो गई। एक चैन, बनाने के बाद इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से बन के आया हमारा। अब आगे वाली यहाँ पे तीन चैन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया, एक चैन, इसी चैन के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर तीन चैन बनाई थी, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमारी पत्ती बन के आ रही है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना ली। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब एक चैन बनाएंगे, अब इसी में हम चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया, तीन चार और ये पांच डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया हो गए और एक चैन, फिर से इसी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से ये ड्रेस बन के तैयार हो गई हमारी। जीरो और एक नंबर के कान्हा जी की आ जाएगी ये ड्रेस। मेरे पास ये एक नंबर के कान्हा जी है, इनको पहना कर दिखाती हूँ। इस तरह से हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे। इस तरह से बन के आई है ड्रेस।
मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना।